बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। टुडेज़ जो रेसिपी है वो है ओरियो मिल्क शेक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये बनता है, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। कर लेना है बारीक, हमने कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें क्रीम और दूध मिक्स करते हैं। मिल्कशेक को क्रीमी बनाने के लिए पहले क्रीम को हम बीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड करना है। मैंने यहाँ 1 गिलास दूध लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। मैंने क्रीम को बीट करने के बाद थोड़ी सी अलहदा निकाल रही है, बाद में हम इसको जब ग्लास में सर्व करेंगे तो फिर डालेंगे। तो उसके बाद हमने दूध ऐड करना है उसके, और फिर 3 टेबल स्पून ओरियो जो क्रश बिस्किट थे वो हमने इसमें डालने हैं। तो आइए हम अब ग्लास को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए चॉकलेट सिरप अगर हो तो उससे कर सकते हैं, तो नहीं तो यहाँ मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके तो उससे ही मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। बिस्किट में इसको ऊपर से ऐसे डिप करेंगे ताकि ये अच्छी सी लुक इसकी आए। अब हमने जो क्रीम और दूध का ये ब्लेंड करके मिक्सर बनाया था बिस्किट्स का, वो हमें इसमें अब ग्लास में डालेंगे। ऊपर से मैं फिर क्रीम डालूँगी और फिर तो ये बहुत ही ओरियो मिल्क शेक बहुत ही हेल्थी और यमी ड्रिंक है, किड्स का तो ये फेवरेट है। अब ऊपर से हमने ये क्रश हुए हुए बिस्किट डालने हैं, तो ये आप अपनी चॉइस, अगर आपने यहाँ डालने हैं तो मैंने यहाँ अच्छी सी लेयर डाली है बिस्किट की, तो उसके ऊपर फिर हम दोबारा क्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बस ऐसे ही रखा है। हमारा ये ओरियो मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेडी हो चुका है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और किड्स के लिए तो बहुत ही हेल्थी ये ड्रिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।